यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शम्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। प्रयागराज के यमुना नगरी पर अरैल घाट के सन्निकट आदरणीय आर्य राजेंद्र कपूर जी के व्यवस्थापकत्व में आयोजित आर्य समाज के इस महान सत्संग में उपस्थित माननीय आचार्य हेमंत कुमार आर्य जी, कानपुर से हमारे मध्य में पधारी हैं आदरणीय शशि चोपड़ा जी, हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय, ग्वालियर से पधारे हुए हमारे आर्य जी और सभी धर्मनिष्ठ महानुभावों, ब्रह्मचारियों, अभी हम सबने योग आचार्य हेमंत कुमार जी के ब्रह्मत्व में यज्ञ संपन्न किया है। यज्ञ को हवन भी कहते हैं। ये हमारा हवन जहाँ यज्ञशाला में प्रतिदिन चलना चाहिए, वहाँ व्यावहारिक जीवन में भी चलना चाहिए, क्योंकि यज्ञशाला में किया जाने वाला हवन हमें व्यावहारिक जीवन में भी यज्ञमय बनाने की शिक्षा प्रदान करता है। आइए व्यावहारिक जीवन में कैसे हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं, इस विषय पर अत्यंत संक्षिप्त विचार आपके मध्य में रखता हूं। हवि का आधार है, हवन का आधार है हवि। यदि आप हवन करना चाहते हैं तो आपके पास हवि का होना बहुत आवश्यक है, अर्थात हवि आधार है और हवन आधेय है। आधेय कहते हैं जिस पर कोई वस्तु टिकती है, और आधार कहते हैं जो किसी को टिकाती है। तो यहाँ हवि है आधार और हवन है आधेय, अर्थात हवि है तो हवन है और हवि नहीं है तो हवन नहीं है। आइए हवि को जानने का प्रयत्न करें। महर्षि पाणिनि महाराज ने हवि शब्द के तीन अर्थ किए हैं। एक अर्थ किया है दान, दूसरा आदान और तीसरा अदन। इस अर्थ से पता लगता है जो वस्तु दी जाती है उसका नाम हवि है। जैसे हवन में आप घी सामग्री देते हो, अगर आप घी सामग्री हवन कुंड में न दो तो आपका घी सामग्री वह हवि नहीं बना है। अगर कोई वस्तु दे दी है तो हवि है, और नहीं दी है तो हवि, अरे बोलो, नहीं है। पहला अर्थ क्या है? जो वस्तु दी जाती है। दूसरा अर्थ क्या है? जो वस्तु ग्रहण की जाती है। यहां हवन कुंड में याजक घी सामग्री को देता है तो घी सामग्री को ग्रहण कौन करता है? अग्नि करता है। तो यहां ग्रहण भी किया गया अग्नि के द्वारा और याजक के द्वारा दिया भी गया। ऐसे ही महर्षि जी कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस वेद वाक्य में हवि शब्द का अर्थ करते हुए एक स्थान पर लिखते हैं ग्रहण करने योग्य। मैंने यह अर्थ भी तो बताया है ना, जो वस्तु क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है।
ऋषि कहते हैं ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। तो यहां हवन कुंड में भी अग्नि ने घी सामग्री को ग्रहण किया तो आपका घी सामग्री ये क्या बन गए, हवि। तीसरा अर्थ है जो वस्तु अदन माने भक्षण की जाती है, यहां आपके घी सामग्री को भक्षण किसने किया, अग्नि ने किया। यहां तो तीनों काम हो रहे हैं, तो बस यह ध्यान रखिएगा अगर आप कोई वस्तु देते हैं लेते हैं खाते हैं ये तीन काम कराते हैं तो इसका नाम क्या है, हवि। एक सज्जन एक यज्ञशाला में पधारे, इच्छा व्यक्त करने लगे कि हम भी हवन करेंगे। हमने कहा कुछ हवी लाए हो, कहने लगा रीते हाथ आ गए हैं कुछ लाए नहीं है। भला खाली हाथ हवन कैसे होगा, हमने कहा देखो कुछ तो लाए होगे। तो कहने लगा अपनी जेब आदि को देख करके हाँ और तो कुछ नहीं है, रुपए लाया हूं। बताओ रुपयों से हवन हो जाएगा? अरे बोलो जी, अरे बोल दो, रुपयों से हवन होगा कि नहीं? अच्छा परीक्षा करते हैं, रुपए देने के योग्य हैं कि नहीं? अरे बोलो रुपए दिए जाते हैं कि नहीं? 33 नंबर तो मिल गए। अच्छा रुपए ग्रहण करने योग्य हैं कि नहीं, ये तो 66 नंबर मिल गए। तीसरा क्या अर्थ बताया था, जो वस्तु खाई जाती है, अरे बोलो रुपए खाने के योग्य हैं कि नहीं? अरे जुगाड़ निकालो, कोई जुगाड़ निकालो रुपयों का भी। अरे बादाम लेके खाना, संतरा लेके खाना, बोलो। यहां खाने का मतलब है उपयोग में लाना। अगर किसी दानदाता ने आर्य समाज के कोषाध्यक्ष को रुपए दिए और वह दानदाता उसे जहां लगाना चाहता है वहां भवन निर्माण आदि में वे रुपए लगा दिए तो बोलो जी हबी बन गए कि नहीं बन गए? तो ये तीन वस्तुएं याद रखना, जो वस्तु दी जाती है, अरे जो ली जाती है, जो खाई जाती है उसका नाम हबी है। जब सनातन धर्म के महान सत्संग आर्य समाज मंदिर में किसी जिज्ञासु को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि रुपए हवी होते हैं तो वह अपने घर में जाकर परिवार में जाकर कहता है कि आज पता चला है कि रुपए भी हवी होते हैं, चलो हम अपने रुपयों को हवी बनाते हैं। और उसने अपने घर में एक बहुत बड़े महापुरुष का चित्र लगाया। अरे बोलो आर्यो, हमें अपने घरों में चित्र लगाने चाहिए कि नहीं? सनातनियों को चित्र लगाने चाहिए कि नहीं? अरे चित्र चरित्र की शिक्षा देते हैं, इसलिए हम श्री राम का चित्र लगाएं, हम योगी राज कृष्ण का चित्र लगाएं, हम राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र लगाएं, हम महर्षि दयानंद का चित्र लगाएं, वीर सावरकर का चित्र लगाएं, स्वामी श्रद्धानंद जी का चित्र लगाएं, योगी राज स्वामी आत्मानंद जैसे बड़े बड़े महापुरुषों के चित्र लगाएं, जिससे उनके चित्र को देखकर उनका पढ़ा हुआ जीवन चरित्र हमारे मन में उभर कर हमारे सामने आ जाए। बस जिस व्यक्ति को ये पता लगा कि रुपए हवी होते हैं, उसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, श्री राम का बढ़िया सा बड़ा सा चित्र अपने घर में लगाया और सोचा अब हवी को अर्पित करते हैं। उसने श्री राम के चित्र के सामने अपने जेब से निकालकर धन राशि निकाली और उस चित्र के सामने अर्पित कर दिया, मानो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। बोलो वे रुपए हवी बने कि नहीं बने?
अरे बोल दो, हाथ खड़ा करके बोलो, ऐसे नहीं। अरे कैसे सनातनी हो, हाथ खड़ा करने से सबकी पोल खुल गई। अच्छा बताओ उस चित्र ने वे रुपए लिए? अरे बोलो लिए, तो हाथ क्यों खड़ा कर गए? अच्छा जब उस चित्र ने वे रुपए लिए नहीं, तो क्या आप देने की चेष्टा करने पर भी दे पाए? ना तो देना बना, अरे ना लेना बना। अच्छा बोलो खाए, उपयोग में लाए? तीनों काम नहीं हुए। इसलिए जड़ पदार्थ जो मूर्ति है ना, उसके सामने धरा हुआ हलवा, उसके सामने रखे हुए रुपए, वे कभी भी हम हवी नहीं बना सकते। तो कैसे बनाए हवी? अगर किसी विद्यार्थी को विद्या के लिए दान करें तो बोलो हवी बने कि नहीं बने? अरे किसी निर्धन को अगर हमने उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए दान किए तो बोलो हवी बने कि नहीं बने? ऐसे आप ये तीन बातें ध्यान रखना सदा। ये तो व्याकरण की बातें हैं, ये तो सिद्धांत की बातें हैं। क्या बातें हैं? अगर कोई वस्तु देने में समर्थ हो गए हैं, कोई वस्तु आपकी ग्रहण कर ली गई है या आपने ग्रहण कर ली है और उसका सदुपयोग हो गया है, तब ही वह वस्तु हवी बनती है। जैसे आप बुझी हुई अग्नि में अर्थात राख में आप घी सामग्री डालें तो हवी नहीं बनेगी, ऐसे ही अगर आप किसी चित्र के सामने कोई राशि देंगे तो बोलो वो हवी नहीं बनेगी। यही है सनातन सिद्धांत। हम वेदादि शास्त्रों को न पढ़कर अपनी जगहसाई करते हैं लोगों के बीच में, और लोग कहते हैं कि देखो क्या अभिनय करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे कपड़े के गुड्डा गुड़िया बना बना कर खेल खेला करते हैं, यही खेल हम खेल रहे हैं। इस खेल खेलने का नाम बोलो सनातन धर्म नहीं है। अच्छा अगर किसी के पास रुपए न हो तो बताओ वह हवन कर सकता है? अरे बोलो, कोई निर्धन व्यक्ति पीने को पानी नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, ऐसा अत्यंत निर्धन व्यक्ति बोलो हवन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, कर सकता है। भगवान कहते हैं मनुष्य मैंने तुझे संसार में यज्ञ करने के लिए भेजा है, तू जिस दिन यज्ञ करने के योग्य नहीं रहेगा उस दिन मैं तेरा स्थानांतरण कर दूंगा, तेरा देह परिवर्तन करके नया जीवन दूंगा और वहां तुझे यज्ञ। इसलिए ध्यान देना कि हमें यज्ञ तो करना ही है। कैसे करें? अगर हम अपने शरीर से परोपकार करें, प्यासे लोगों को और कुछ नहीं तो नल चला चला कर पानी पिलावें, अपने हाथ को हवी बनावें, बोलो यज्ञ हुआ कि नहीं? अगर हम वाणी से वक्ता बन जाएं और श्रोता हमारे वाणी के भीतर भरे हुए ज्ञान को ले लें, अरे बोलो क्या कर लें? ले लें। और केवल श्रोता ले ही ना बल्कि उसे खा लें। खाना क्या है? आचरण में उतार लें, तो बोलो वक्ता की वाणी हवी बन गई कि नहीं बन गई? एक समय ऋषि दयानंद जी महाराज अपनी व्याख्यान वेदी पर बैठे हैं, सामने अग्रिम पंक्ति पर बैठा हुआ एक युवक अंग्रेज सरकार के समय में तहसीलदार के पद पर था, वह खड़ा हुआ और आचार्य दयानंद जी से बोला कि स्वामिन एक भजन मैं भी बोलना चाहता हूं। अरे बोलो उसे समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आहा, ऋषि राज ने इस व्याख्यान वेदी को हवी बनाया और बोले आओ पुत्र आओ भजन बोलो। और भजन बोलकर जब वह अपने आसन पर गया तो लोगों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया, लेकिन उसकी प्रवचन के बाद शिकायत कर दी गई
परिवाद में कहा कि यह मांस खाता है, यह शराब पीता है, यह रिश्वत लेता है, इसे व्याख्यान वेदी पर नहीं बैठाना चाहिए था। आचार्यवर महर्षि दयानंद, आचार्यवर दयानंद ने बात सुन ली। अगले दिन युवक अपने परिवाद से अनभिज्ञ है, आज फिर खड़ा होकर के जिज्ञासा करता है, क्या आज भी मुझे भजन बोलने का अवसर मिलेगा? आहा, उदार हृदय दयानंद बोले, आओ आओ यहां बैठ करके भजन बोलो। उन्होंने उस युवक की वेदी को बंद नहीं किया। न जाने जीवन के किस कोने में, किसके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाए, न जाने कब कोई मनुष्य दुरात्मा से परिवर्तित होकर क्रांति लाकर अपने जीवन में महात्मा बन जाए। इस मनोविज्ञान को जानते थे महर्षि दयानंद, और उस दुरात्मा युवक को कहा, आओ आओ भजन बोलो और सुनो, गला तो भगवान ने दिया था। कोई ना कोई संस्कार भी रहे होंगे जिनसे आप प्लावित होकर के उसने भजन गाया और लोगों की हृदय तंत्री को झंकृत कर दिया। सबने करतल ध्वनि से स्वागत किया, पर इधर दयानंद के मुख से हवि निकली। जब वह गायक उठ करके अपने आसन पर जाने लगा, तब ऋषि दयानंद के मुख से वाक्य निकला, ए अमी चंद, तुम हो तो हीरा पर कीचड़ में पड़े हो। अरे अपने अपने कीचड़ों को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बस उसने सोचा, मेरे को ऋषि दयानंद ने अगर हीरा कहा है तो मैं अमी चंद अवश्य हीरा हूं। ऋषि दयानंद के मुख से कोई वाक्य असत्य नहीं निकलता है, रितम भरा प्रज्ञा के धनी है ये। अगर दयानंद बोलते हैं मैं हीरा हूं तो ये अमी चंद तू सचमुच हीरा है, पर उन्होंने यही भी कहा है कि है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा हूं, अब मैं कीचड़ से निकल के दिखाता हूं। और उसने शराब को बाहर कर दिया, अरे मांस का परित्याग कर दिया, पत्नी को निकाल करके वेश्या को रख रखा था, वेश्या को सदा के लिए नमन करके परित्याग कर दिया और चल पड़ा ससुराल। ससुराल जाकर के बोला, देवी अब तेरे सामने दुरात्मा अमीचंद नहीं खड़ा है, अब मेरे जीवन में दयानंद के मुख से निकली हुई हवि, मैंने उसका पान कर लिया है, अब मैं मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, अरे मैं वेश्यागमन भी नहीं करता, अब तो मैं महात्मा अमीचंद खड़ा हूं, चलो तुम्हें तुम्हारे आसन पर लिवाने लाया हूं। जब ये क्रांति अपने पति में देखी तो जो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी वो प्रसन्न होकर चल पड़ी पिया संग ससुराल। अरे बोलो, ऋषि दयानंद की वाणी हवि बनी कि न बनी? आर्यो, जहां हम यज्ञशाला में हवन करें वहां व्यावहारिक जीवन में भी हवन करें, और सारे जीवन में जो भी हमारी चेष्टाएं हैं उन्हें दूसरे लोग लेवें, लेकर के धारण करें। अगर हम ऐसी चेष्टाओं को व्यवहार को कर सकें, जैसे ऋषि दयानंद की अंतिम क्रिया गुरुदत्त ने देखी, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, आहा तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, यह कहकर नश्वर शरीर को छोड़कर मोक्ष धाम की तरफ चले गए। बोलो, ये अंतिम दैवी दृश्य देख करके क्या गुरुदत्त नास्तिक से आस्तिक नहीं बने? बने, सारा जीवन परिवर्तन हो गया गुरुदत्त विद्यार्थी का। आर्यो, हम भी इसी प्रकार से अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर उत्तम कोटि का बनाएं, यही भगवान से कामना करते हुए अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम। एक भजन सुना देता हूँ। ओम आचार्य जी को जाना है, इसलिए आज कार्यक्रम थोड़ा पहले प्रारंभ किया गया था। अब हमें अपना भजन देंगे और हमारे बीच में आदरणीय मेहता जी, प्रवीण मेहता जी प्रयागराज से आए हुए हैं, और मैं उनका सम्मान सहित अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करूंगा भजन उपरांत
हमारे आचार्य जी को एक स्मृति चिन्ह जो महर्षि दयानंद साक्षरता मिशन की ओर से बनवा के हमें दिए गए इस अवसर के लिए वो हमारे आचार्य जी को प्रदान करके उनकी विदाई करें। देखो देखो मेरी आवाज आ रही है सबके पास? ठीक है, कम हो गई बैटरी, कम हो गई जी। महर्षि दयानंद जी के बारे में आपने पिछले 3-4-5 दिनों से लगातार और पहली 1 तारीख से 1 फरवरी से लगातार सुन रहे होंगे अलग अलग विद्वानों से उसकी बात। थोड़ी सी उन्हीं के बारे में कुछ पंक्तियां जो 1-2 दिन पहले भी आपने सुनी, पुनः जो नहीं सुन पाए उनके लिए फिर से दोहरा देता हूँ। भजन तो बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ विशेष पंक्तियां हैं। मैं तो स्वामी दयानंद का बांका वीर सिपाही हूँ, मैं तो स्वामी दयानंद का बांका वीर सिपाही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं, जिस पर ऋषि मुनि लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। जिस पर योगी लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ, मैं तो स्वामी दयानंद का बांका वीर सिपाही हूँ। हाथों में बंदूक वेद की लेकर हरदम चलता हूँ, मंत्र गोलियों की बौछारें करता हुआ निकलता हूँ। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषे भी, यं कामये तं तम उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधां। मंत्र गोलियों की बौछारें करता हुआ निकलता हूँ, वहमों और पाखंडों की मैं करता चला तबाही हूँ, वहमों और पाखंडों की मैं करता चला तबाही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। बोलो, मैं तो स्वामी दयानंद का बांका भी सिपाही हूँ। निंदा हो या बड़ी प्रशंसा, धन आवे आँखों जावे, युगों युगों तक जीऊं मैं चाहे आज ही मृत्यु हो जावे। न्याय के पथ से हटूं कभी ना, धर्म के पथ से हटूं कभी ना, मैं ऐसा उत्साही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। नियम सर्वहितकारी में पर तंत्र सदा मैं रहता हूँ, हितकारी नियमों में हूँ स्वतंत्र सभी से कहता हूँ। सभा के अंदर कभी न करता मैं अपनी मनमानी हूँ, सभा के अंदर कभी न करता मैं अपनी मनमानी हूँ। जिस पर योगी लोग चलेंगे, मैं उस पथ का राही। छोटी छोटी बातों पर ही मैं न कभी झगड़ता हूँ, संपत्ति सम्मान को पाकर हरगिज नहीं अकड़ता हूँ। बोलो, छोटी छोटी बातों पर ही मैं न कभी झगड़ता हूँ, संपत्ति सम्मान को पाकर हरगिज नहीं अकड़ता हूँ। पत करूं पथिक दोषों से नफरत और गुणों का ग्राही हूँ, करूं पथिक दोषों से नफरत और गुणों का ग्राही हूँ। जिस पर वैद्य योगी लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो स्वामी दयानंद का बांका वीर सिपाही हूँ। दे करके सत्यार्थ प्रकाश, कर दिया घोर तम का विनाश,
हो गई छिन्न पर तंत्र पाश फैली स्वतंत्रता की सुवास। हे जनमानस हो सावधान, हे जनमानस हो सावधान, हे जनमानस हो सावधान, करने को उसका यशोगान। कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। ओ कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। पाखंडों को खंडित करके, उद्दंडों को दंडित करके, मुस्तंडों को मुंडित करके, फिर वेद धर्म मंडित करके, गुरु के वचनों का किया मान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। कृतज्ञता एक मानवीय गुण है, ये होना चाहिए ऋषियों के प्रति, अपने पूर्वजों परमात्मा के प्रति, माता पिता गुरुजनों के प्रति। बस होने को ही था प्रभात, पर ओ निर्भागे जगन्नाथ, तूने दुष्टों का दिया साथ, ऋषि प्यारे से कर दिया घात। असमय में हो गया अस्त भान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि वो कैसे थे। आनंद कंद ऋषि दयानंद, जिन मेट दिए सब दुख द्वंद। आनंद कंद ऋषि दयानंद, जिन मेट दिए सब दुख द्वंद। काटे पापों के प्रबल फंद, जग में गूंजे फिर वेद छंद। काटे पापों के प्रबल फंद, जग में गूंजे फिर वेद छंद। वैदिक संस्कृति का हुआ त्राण, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि वो न होते तो क्या होता। सच मानो ऋषि जो नाते, तम के बादल गहरा जाते। बोलो, सच मानो ऋषि जो नाते, तम के बादल गहरा जाते। अंधेरी गलियों के पिशाच, हमको जिंदा ही खा जाते। अंधेरी गलियों के पिशाच, हमको जिंदा ही खा जाते। मिलता न कहीं ना मौन शान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। जय जय ऋषिवर, जय जय गुरुवर, ऋषि दयानंद की जय बोलो। ऋषि दयानंद की जय बोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। बोले महर्षि दयानंद महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, भारत माता की। प्रणव ध्वनि। सबको सादर अभिवादन, सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते। तो आज के इस भजन के कार्यक्रम को भी यहीं विराम करते हैं। हमारे